अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोरोना के भय से बंद हो रहे प्राइवेट क्लिनिक, सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिल रहा इलाज, मनपा प्रशासन बेखबर। सालों साल जिस डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास ये लोग इलाज करे, अगर वो अपना हाथ छोड़ देंगे पेशेंट का तो ये पेशेंट जाएंगे कहाँ? किसी पार्टी ने भी इसमें अपना जो एक अटेंशन देना था वो कम कर दिया है। ऐसे संकट के समय में ये मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। प्रशासन ने इसके ऊपर गौर देना बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण का भय अब आम लोगों के साथ ही डॉक्टरों को भी सताने लगा है। दूसरों के इलाज के चक्कर में खुद कोरोना का शिकार ना हो जाए, इसलिए नवी मुंबई के प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक बंद करने लगे हैं। इससे उन बुजुर्गों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है जिन्हें अस्थमा, किडनी, डायबिटीज जैसी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए रेगुलर जांच और उपचार जरूरी होते हैं। बेलापुर के दर्जनों सीनियर सिटीजन्स ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि लोकल डॉक्टरों के अभाव में उन्हें बड़े अस्पतालों में जाने की मजबूरी है जहां लाखों का बिल बनाया जा रहा है। ऐसे में सामान्य लोग भला इलाज कैसे करा पाएंगे? दिक्कत यह है कि सीनियर सिटीजन को बहुत बीमारियां रहती है, ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज रहता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके उपचार के लिए कहाँ भी हम जाएंगे तो सब दवाखाने बंद, तो कहाँ भी हम नहीं जा सकते हैं। और इमरजेंसी में तो ऐसा होता है कि कहाँ भी जाओ तो बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ तो ऑर्डिनरी आदमी रहेगा तो उसको इकोनॉमी के लिए कांट अफोर्ड दैट, तो फिर तकलीफ होते हैं और लाइफ भी कुछ नुकसान हो सकता है। एक हमारे यहाँ केस है, आपको बता सकता हूँ कि देवधर जी करके इज ओल्ड मैन, 90 ईयर्स ओल्ड मैन, तो उसको वो बीमार हो गया, कुछ आँख का तकलीफ हो चालू हो गया, तो हमेशा का जो उनका डॉक्टर था उसको तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसका डिस्पेंसरी भी बंद था, तो फिर बाद में उनको कहा जाने का, अभी MGM में लेके गए तो वो बोले यहाँ कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा, तो अर्जेंट उनका केस था, उन्हें एक तो MGM ने तो अपोलो, फिर अपोलो लेके गए, वहाँ वो एडमिट रहा एक हफ्ता भर, एक 4-5 दिन, और उसमें उसके 1-1.5 लाख खर्च आया उनको, और जब घर आया तो इतवार के दिन फिर वही तकलीफ चालू हो गया और मर गया उसमें, डॉक्टर नहीं है करके। ऐसा है, बहुत केसेस है कि जो ऐसे केसेस में लोगों को मेडिकल एड न मिलने की वजह से वो मर जाते हैं या उनको नुकसान होता है। सही बात है, मेरे मिसेज का घुटने का दर्द था, इसीलिए मैं हमेशा, हमारे डॉक्टर है डॉक्टर खरे, हाँ, और उनके इधर यहाँ गए तो उधर पार्टी लगा दी है कि मैं इधर अवेलेबल नहीं, हाँ, तो अपोलो हॉस्पिटल है और उधर लेके आओ, हाँ, तो उधर अपोलो में जाने के तो 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, ऐसा सर्वसामान्य आदमी क्या करेगा, हाँ। अभी सब इधर के क्लिनिक पूरा बंद है, डॉक्टर चालू होना मांगते हैं ना, क्लिनिक चालू होना मांगते हैं, हाँ, हमेशा के दवाई मिलने मांगते हैं। कोरोना जिसको हो गया इफेक्ट उनके लिए तो हॉस्पिटल्स बहुत है, लेकिन नॉन कोरोना जिनके एज की वजह से तकलीफें है, डायबिटीज है या अदर बीमारी है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाने के अगर दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहाँ जाए ये लोग? घर पे तो इनका इलाज नहीं होता, और सालों साल जिस डॉक्टर्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास ये लोग इलाज करे, अगर वो अपना हाथ छोड़ देंगे पेशेंट का तो ये पेशेंट जाएंगे कहाँ? और ये एक ही पेशेंट का नहीं, हर घर में एक जोड़ा होता है जो दोनों एजेड होते, बुज़ुर्ग होते, तो आजकल ऐसी कंडीशन है कि अगर हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं, 10-10 घंटे एम्बुलेंसेस नहीं आ रहे, तो दोनों में से एक भी बीमार गिरता पूरा उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, मेंटल प्रेशर आ रहा है, फिजिकल प्रेशर आ रहा है और फाइनेंशियल प्रेशर भी आ रहा है। तो प्रशासन ने इसके ऊपर गौर देना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा ना हो कि कोरोना से सब ठीक हो रहे लेकिन नॉन कोरोना ज़्यादा डेथ्स हो रही है, ये हो सकता है। मेरा एक ऐसा अनुभव अच्छा हुआ कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है तो हमने उनसे फ़ोन से कंसल्ट किया
और हमें अच्छा रिस्पांस मिला, उन्होंने दवा बताया। अभी ये जो तकलीफ का जो मामला है, दिक्कत जो है, समझो किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, तो वो कहाँ चेक करें, समझो लेटेस्ट पोजीशन क्या है, तो इसके बारे में कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। एक बात सही है कि हर एक को अपना जीव प्यारा है, जान तो प्यारा है, तो समझो जो बुजुर्ग डॉक्टर होंगे तो वो भी डर के मारे घर, लेकिन उन्होंने वो एंटरटेन इस तरह से करना चाहिए जैसा मेरे फैमिली डॉक्टर ने किया कि हाँ क्या तकलीफ है, फ़ोन पे तो कम से कम कंसल्टिंग कर सकते हैं। और ये जो बीपी जो जहाँ आवश्यकता है कि फिजिकल चेकिंग ही होना चाहिए, तो उसके बारे में इंतजाम करना ही चाहिए। बता दें कि बेलापुर इकलौता इलाका नहीं है जहाँ डॉक्टर नदारद हैं। नवम्बई के वासी कोपरखेर ने घनसौली, अरौली और नेरुल समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां अधिकांश प्राइवेट डॉक्टर गायब हैं और क्लिनिक बंद हैं। नागरिकों के लिए शहर में ऐसा कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है जहां ऐसा इलाज सुलभ हो। भाजपा नेता सतीश निकम ने इसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टरों का इस तरह क्लिनिक बंद करना और सीनियर सिटीजन्स को इलाज से वंचित रखना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने महानगर पालिका और सरकार की प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया और लॉकडाउन के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरोग्य सेवाएं तत्काल सुनिश्चित कराने की मांग की। जो सीनियर सिटीजन्स है, हर एक की कोई ना कोई आरोग्य की समस्या रहती है और रेगुलर चेकअप कराना और डॉक्टर को कंसल्ट करना उन्हें आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टर्स अगर अपनी क्लिनिक बंद करके फ़ोन बंद करके बैठ जाए तो ये तो अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो रेगुलर इनके पास कंसल्टेशन लेने वाले लोग हैं। इनको दवाइयाँ बदलनी रहती है, दवाइयों का नया कुछ प्रयोग करना रहता है, कुछ ऊपर नीचे तबीयत होती रहती है, तो ऐसे हालात में डॉक्टर्स अगर क्लिनिक और फ़ोन बंद करके बैठे और इनको बोले कि खाली अपोलो हॉस्पिटल में और बड़े बड़े अस्पताल में ही आप आकर हमारा कंसल्टेशन लीजिए, तो ये तो कोई ऐसे संकट के समय में ये मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। मुझे लगता है कि ज्येष्ठ नागरिक संघ के माध्यम से इन सारे बुजुर्गों ने जो आवाज़ आज उठाई है उसका निश्चित ही कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए। एक घटना आपको बता देता हूँ, यानी कैसे चल रहा है व्यवहार। तो हमारे एक मित्र वकील वाशी में को दोपहर को बैठे बैठे भोजन के बाद सीवियर अटैक आ गया। घर में उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे, इतने ही लोग थे, जैसे तैसे गाड़ी में बिठाकर उनको एक हॉस्पिटल के गेट पर लेके गए। डेढ़ घंटे तक उस गेट से अंदर उनको प्रवेश दिया गया नहीं। जिस अस्पताल में एक महीना पहले 8 दिन इलाज लेकर वो व्यक्ति बाहर आया है, उस अस्पताल ने उनको अंदर प्रवेश दिया नहीं, ठीक है, और ऐसी हालात में उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बारे में हमने महानगर पालिका आयुक्त जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में ये दो घटनाएं, ये एक घटना और एक घटना है एक महिला की, इस प्रकार से दो हृदय विकार की बड़ी घटनाएं हो गई, जिसके कारण अस्पताल के व्यवहार के कारण दो जाने चली गई नवी मुंबई में। और इसके बाद भी आज तक प्रशासन की आंखें खुली नहीं है, क्योंकि ये सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो है वो मनमानी कारोबार कर रहे हैं, पेशेंट्स को मिलने को तैयार नहीं, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं। इसमें निश्चित ही प्रशासन को कोई ना कोई उपाय योजना ये करनी पड़ेगी, ऐसा एक आह्वान आज मैं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।